अमीगोस, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आरडी चैनल पर। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जो आप इस चैनल से इतना मोहब्बत करते हो, स्नेह करते हो, इस चैनल की तरफ इतना अप्रिशिएट करते हो इस चैनल को, और मुझे भी अप्रिशिएट करते हो। मेरे एफर्ट्स आपको दिखते हैं, मेरी मेहनत की इतनी आप कदर करते हो। थैंक यू सो मच। एंड सो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं कमेंट करके, जिनको मेहनत दिखती ही नहीं है, खुद करना पड़े तो पता चले, तो पीछे बैठ के बोलना बहुत आसान है। बट नेवर माइंड, मुझे तो इतने लोग इस चैनल पे इतना स्नेह देते हैं कि मुझे उनकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार आप सबका, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं उतनी ही एनर्जी, उतनी ही एंथुजियाज्म के साथ आती हूँ आप सबके सामने, और उतनी ही लगन के साथ रीडिंग्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, और उतनी ही मेरी शिद्दत से ये चाहती हूँ, पूरे दिल से कामना रहती है कि आप सबके घर में सुख समृद्धि प्रवेश करे, और आप सब लोग निरोगी रहें, आपके प्रियजन निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है ईश्वर से। चलिए फ्रेंड्स, सो थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए ना हम क्या क्या सुनने को मिलता है हम लोगों को, लेकिन मैं तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ, बिकॉज 50 काम और पड़े होते हैं करने के लिए। सो आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, सिर्फ टायरो नहीं करती ना मैं, एक्चुअली आई एम ऑल्सो इन टू ब्लॉगिंग एंड आई एम ऑल्सो इन टू, मेरे दो अपने ब्लॉग्स हैं, एक मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है, आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस। मैंने अभी कम्युनिटी पेज पर वो लिंक शेयर किया भी था, तो आप जाके वो देख सकते हो। इट्स कॉल्ड द एंटरटेनमेंट टैवर्न। ओके सो चलिए, ओके फॉर दोज ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग लेट मी नो, बिकॉज आपकी जो अप्रिसिएशन है वो मुझे इनक्रेज करेगी और लिखने के लिए, तो थैंक यू। ओके तो टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैंने खुद डिसाइड किया है, और मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक कुछ हटके करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि जिससे आपको पता चले कि आपके अंदर वो क्या खूबियाँ हैं जिनसे लोग या तो जलते हैं या वो चाहते हैं कि उनके अंदर वो खूबियाँ हों, काश हम में भी ये खूबियाँ होती, यू नो ऐसे वो सोचते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स हम अक्सर खुद को बहुत जज करते हैं, वी पुट आवरसेल्व्स अंडर हार्श स्क्रूटनी, राइट, हम खुद को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली जज करते हैं और हमारी जो खूबियाँ होती हैं उसको ओवरलुक कर देते हैं। तो आपको क्या पता कि सामने वाले आपको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, कि आप सामने वाले की पर्सपेक्टिव से खुद को देखो तो आपको पता चले कि आपके अंदर कितनी सारी खूबियाँ हैं। तो ये जो रीडिंग है ये है आपके बारे में, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के बारे में, गूगली गूगली वोश। ओके तो ओके तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ओके मैंने दो पाइल्स में डिवाइड किया है रीडिंग को, और दो पाइल्स हैं रीडिंग की, एंड अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबकी जो इस चैनल को अप्रिशिएट करते हैं और इसकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच, जो रीडिंग्स रेजोनेट कर पाते हैं, और थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ट्रस्ट मी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आई कांट टेल यू मेरे लिए कितना मायने रखता है। सो और फ्रेंड्स आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका डिवाइन विजन आरडी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम सिर्फ फैमिली कहते नहीं हैं, हम निभाते भी हैं। ओके और जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाह रहे थे वो डेफिनेटली बुक कर सकते हैं, अभी हम बैक इन एक्शन। ओके सो चलिए, और मैं रीडिंग्स ले रही हूँ, एंड यू आर जस्ट वन सेशन अवे फ्रॉम चेंजिंग योर लाइफ फॉर द बेटर परमानेंटली। Yeah, so stop looking back to your defeatist, old defeatist ways and start looking life in a winner's perspective, from a winner's perspective. ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं, अपनी लाइफ का देखने का नज़रिया बदला है, खुद में इन्वेस्ट करना सीखा है, उन्होंने सेल्फ लव सीखा है, और उनका ना सिर्फ उनकी लाइफ में ग्लो आया है, ग्रोथ आई है, बल्कि उनके चेहरे पर भी ग्लो आया है। ओके सो मैं आई एम नॉट लाइक सेइंग बिग वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू जो हुआ है। ओके सो टेस्टिमोनियल्स मैं और भी पोस्ट करूँगी, तो कई बार लोग ऑडियो टेस्टिमोनियल्स या कॉल पे सेशन पे ही दे रहते हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ माय मिडिल नेम, तो आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट दैट। ओके आई रिस्पेक्ट माय द प्राइवेसी ऑफ माय क्लाइंट्स। ओके सो ऑल राइट फ्रेंड्स,
मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है, बुरा बोलता है, तो वो अपना लो कैरेक्टर दिखा रहा है और अपनी लो वैल्यूज़ दिखा रहा है। आपको उनके लेवल पे गिरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉरगिवनेस और हीलिंग और अनकंडीशनल लव उनको सेंड कर दीजिए बस, और प्रभु को देखने दीजिए। प्रभु देख लेंगे, प्रभु सबको कर्मों का फल देते हैं, उनको भी दे देंगे। ठीक है, हमें उनके लेवल पे नहीं गिरना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने जो है, मैं कभी इस तरह से बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो है किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ, तो मुझे आई वॉज कंपेल्ड टू टेल यू कि जो लोग कई बार सेंसिटिव, पता होता है कि सेंसिटिव है, इमोशनल है, सोच के बोल देते हैं कुछ भी उठ पटांग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें जितना कुछ अचीव किया लाइफ में, तुम उसका 10% भी कर लो तो 10 जन्म लेने पड़ेंगे उसके लिए। वैसे तुम लोगों को तो आपकी बात नहीं कर रही है, तो मैं, आप तो मेरी प्यारी ऑडियंस हो जिसके लिए मैसेज है वो समझ जाएगा। ठीक है तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, मतलब उनके लिए मैसेज है, किसी के लिए क्या मैसेज देना। ठीक है तो ओके, आप तो मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, आपको मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बेबी पाइज हो आप, शुगर पाइज हो, क्यूटी पाइज हो, राइट? ओके सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग फाइनली। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल ग्रैब सम वाटर। यस फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आप लोग मेरे मेरी फैमिली हो, तो आपसे ही सुख दुख सब कुछ शेयर करती हूँ मैं, राइट? आप भी अपना सुख दुख मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो करते ही हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग करते हो, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। थैंक यू सो मच, भगवान करे आपके सब दुख गायब हो जाए, उड़न छू। ठीक है चलिए, सो मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ फ्रेंड्स सिलेक्शन के लिए। ओके, ये है पाइल 1। आप इमेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, या मैं आपको कार्ड्स के नाम बता रही हूँ उनके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर वाइज, इमेज वाइज, जो भी आपको सूट करे। या पाइल नंबर वाइज टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और बहुत लोग पूछते हैं मैम रीडिंग्स कैसे लिए, आपको कांटेक्ट कैसे करें, थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी दे रखी हैं, आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करके रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। यस सो ऑल राइट, तो मैं आपको पाइल्स दिखा रही थी। फिर भागती रोती रहती हूँ मैं तो मेरी सांस अपने टर जाती है। ओके ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, दिस इज एटलांटिस कार्ड्स। पाइल नंबर 1 एटलांटिस कार्ड्स, पाइल नंबर 2 यूनिकॉर्न कार्ड्स। यहाँ पे यूनिकॉर्न बना भी हुआ है एक, देखो। ठीक है, विंग्स के साथ। या सो पाइल नंबर 1 एटलांटिस कार्ड्स, एटलांटिस, पाइल नंबर 2 यूनिकॉर्न। ओके सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड यूनिवर्स से गौर से खुदा से कहीं से पाल की तरफ आपको ले जाए, डायरेक्ट करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरा। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक। ओके सो शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, जिन्होंने ये पाइल 1 सेलेक्ट किया है एटलांटिस कार्ड्स। ओके, मुझे पता नहीं ऐसा मैसेज आ रहा है कि अपने प्रीवियस बर्थ, किसी प्रीवियस लाइफ टाइम में आप एटलांटा में थे, यू वर बॉर्न इन एटलांटा और समथिंग लाइक दैट।
ओके मुझे भी मैसेज आ रहा है कि आप एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। लोगों को लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जिस तरह से खुद को कंडक्ट करते हो, यू कम अक्रॉस एज एन एम्परर और एन एम्प्रेस। आपके अंदर काफ़ी पावर्स हैं, या आप काफ़ी स्किल्ड हो, काफ़ी पावरफुल हो आप, आपको शायद पता है कि नहीं पता है, बट यू आर माइटी पावरफुल। एंड आप खुद को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हो, खुद को बहुत जज करते हो। आई एम गेटिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि सम पीपल सी यू एज अलूफ, ओके, जो थोड़ा अपने में ही रहना पसंद करता है या करती है, या सेलेक्टिवली सोशल है, ठीक है, सेलेक्टिवली सोशल है, ये हो सकता है। या फिर टेक इट हाउ ड्रेजनेस फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, ओके। और मुझे ये इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन शार्प है, ठीक है, आपका आप यू सम ऑफ यू कुड बी रूल्ड बाय द मून, ओके। हो सकता है कि सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग मून से रूल्ड है, आपका प्लानिटरी पोजिशन चार्ट में कुछ ऐसी है कि चंद्रमा से आप यू आर रूल्ड बाय द चंद्रमा, ठीक है, बाय मून, ओके। एंड यू ग्लो, या यू आर ग्लोइंग दीज डेज, या तो आप आजकल ग्लो कर रहे हो, या आपका आपके चेहरे पे अलग ही तेज है, अलग ही नूर है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा था आपके बारे में, और अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसे आपके अंदर लोगों के अकॉर्डिंग आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो लोग चाहते हैं कि काश हम में भी वो खूबियां होती। तो पाइल वन में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे देख के लोग या तो जलते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो खूबियाँ उनमें भी होती, काश। तो चलिए देखते हैं, ज़रा खुद को इस नज़रिए से भी देखिए, ओके। चलिए, सो फर्स्ट कार्ड आई हैव इज फिफ्थ डिमेंशन, ओ माय गॉड, यूनिकॉर्न है यहाँ पे। पॉजिटिविटी, नेचर, ओके। मैंने रीडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ कार्ड्स आपको ये बताएंगे कि कौन सी क्वालिटीज जो लोग चाहते हैं कि वो जिनसे वो जेलस हैं, और कौन सी क्वालिटीज़ है जो लोग चाहते हैं कि काश हमें भी वो क्वालिटीज़ होती, ठीक है। एंड रिमेंबर, किसी ने मुझसे कहा था कुछ अरसे पहले कि रिचा, अगर लोग तुमसे जेलस हैं तो जेलसी इज अर्नड, यू अर्नड इट, कंग्रेट्स, सो थैंक यू। एंड तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए, जेलसी इज अर्नड एंड यू अर्नड इट, कंग्रेट्स, ओके, मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो पहले इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे लोग जेलस हैं, ओके ओके फ्रेंड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हो जैसे आपको पसंद है कि लोग आपको ट्रीट करें, यानी कि आप एक बहुत ही फेयर किस्म के पर्सन हो, बहुत ही जस्टिफाइड किस्म के पर्सन हो, यानी कि जस्टिस करते हो लोगों के साथ में। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ दिस वर्ल्ड, ओके, सो हो सकता है कि आप जैसे लोग मतलब आपके सामने अगर आपको अगर कोई जज बना दे, तो आपके सामने अगर कोई स्ट्रेंजर खड़ा हो और अगर कोई अपना खड़ा हो, तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, आप उसको बराबर की पनिशमेंट सुनाओगे, आप बराबर जस्टिस करोगे, ठीक है। और आप जस्टिस करने वाले किसी के साथ बुरा होते हुए देख नहीं सकते हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो,
ठीक है, हो सकता है कि आप लाइफ को हाई पर्सपेक्टिव से देखते हो, यू लुक एट लाइफ फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, एक ऊंचे नज़रिए से लाइफ को देखते हो, यू लुक एट द बिगर पिक्चर, ऐसा मैसेज भी मुझे आ रहा है। दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी, आपका एक यू आर लाइक एन एंजल, पीपल सी यू लाइक एन एंजल, एंड यू प्रीटी मच लाइक, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही पॉजिटिविटी प्योरिटी है आपके हार्ट में, आपके दिल में बहुत पॉजिटिविटी है, प्योरिटी है, एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पीपल सी यू लाइक एन एंजल, जो लोगों के लिए कितना कुछ करते हो या करती हो, ठीक है। मुझे भी फील हो रहा है कि आपके अंदर एक बच्चा है, बचपना सा है आपके अंदर, इनर चाइल्ड कहते हैं जिसको, एंड वो अलाइव है, आपका इनर चाइल्ड अलाइव है, एंथुजियास्टिक है, आप काफ़ी एंथुजियास्टिक हो, काफ़ी जिंदा दिल हो। एंड मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप आपका जो नज़रिया है लोगों को देखने का, चीज़ों को देखने का, आप ऑर्डिनरी चीज़ में या किसी नॉट किसी अनप्लेजेंट चीज़ में भी आप खूबसूरती देख सकते हो। अमेजिंग, यू आर अ रे ऑफ होप, यू आर अ बीकन ऑफ लाइट फॉर पीपल, वाओ। एंड अनदर मैसेज व्हाट आई एम गेटिंग इज, यू कैन ब्रिंग आउट द ब्यूटी इन पीपल, यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। Like I'll tell you something, I came across someone who clicked a picture of me and I did not like that picture. And then she said to me, you know, I'm a certified photographer. I've taken certification in this. So I told her, you know, it takes a beautiful vision to bring out beauty in people through pictures. It doesn't take a certificate to bring out beautiful pictures. It takes a beautiful vision to bring out beauty in people through pictures, right? You got to see beauty in people to bring out the beautiful pictures. तो आई डोंट नो, मेरा ये मानना है कि आप किसी की कभी भी देखना, अगर कोई किसी को खूबसूरत नजरिए से देख रहा है ना, वो जरूर उसकी पिक्चर बहुत अच्छी लेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर एक नज़रिए की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है, और यहाँ भी पर्सपेक्टिव की ही बात हो रही है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पाइल वन के लोग हैं, लोग आपको देखते हैं कि बहुत ही एंजेलिक, प्योर हार्टेड, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, एंड एक बहुत ही पॉजिटिव रूप में लोग आपको देखते हैं। आप नेचर लवर हो सकते हो, ओके, प्रॉबेबली यू आर अ नेचर लवर, ओके। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि चैनल मैसेज आ रहा है मुझे कि जब आप नेचर में पिक्चर्स क्लिक करते हो तो आप बहुत फ्रेश लगते हो, बहुत खुश लगते हो, बहुत ब्राइट लगते हो, और अलग ही नूर आता है ओके, आपके पिक्चर्स में, आपके चेहरे पे अलग ही चार्म, ओके, तो वो चीज़, ओके, अलग ही खुशी होती है, ओके। बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत ही लवली, ओके। तो लोग आपकी पॉजिटिविटी, इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इट्स समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, ओके। तो लोग इस बात से जेलस हैं, ओके, कि आप एबंडेंट हैं, आप लोगों को काफ़ी एबंडेंट लगते हो, कि आप काफ़ी एबंडेंट हो, ओके। और लोगों को लगता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, आपने काफ़ी सक्सेस हासिल की है अपनी लाइफ में, और लोगों को लगता है कि आप जो है एंजल्स, भगवान के काफ़ी करीब हो, स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता के काफ़ी करीब हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को जेलस करती हैं आपके बारे में। व्हाट्स देयर टू बी जेलस अबाउट, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ओके। चलिए और देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो लोग चाहते हैं कि आप में उनमें होती। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं साडे कोल। पहला, वी हैव मिस फॉर्च्यून। आप बोलोगे कि इसमें ब्यूटीफुल क्या है, बताती हूँ। देन वी हैव गिफ्ट, ओके। आप कुदरत का एक तोहफा हो इस यूनिवर्स की तरफ से, इस अर्थ को,
ओके, यू आर अ गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी. ओके, सो लोगों को ऐसा फील होता है कि आप आए, बाहर आई, कि आप उनकी ज़िंदगी में बाहर बन के आए हो. आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं. हो सकता है आप लोगों के लिए लकी हो सकता है कि आप जिसकी लाइफ को टच करते हो, जिसकी लाइफ का हिस्सा बनते हो, उनकी लाइफ में गुड पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उनकी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, वो लोग हील हो जाते हैं. जाने अनजाने में आपकी प्रेजेंस ही इतनी हीलिंग है, आपकी प्रेजेंस काफ़ी है. ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई दो वर्ड्स में. आपकी प्रेजेंस काफ़ी है उनको हील करने के लिए. ठीक है, और बहुत मिसफॉर्च्यून्स देखे हैं लाइफ में. यू हैव बिन थ्रू इनफ मिसफॉर्च्यून्स इन लाइफ, एंड उसके बाद भी आप एक चट्टान की तरह मजबूत खड़े हो, एंड जो बहुत अच्छी बात है, टचवुड, एंड आपको कोई तोड़ नहीं सकता. यू आर अनशेकेबल, अनब्रेकेबल लाइक अ डायमंड. यू आई एम गेटिंग यू ऑलवेज राइज फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स. दैट्स अ मैसेज आई एम पिकिंग अप. ओके, दीज आर मिनिएचर कार्ड्स, आई एम श्योर यू कैन सी. ओके, वो ओके, दिस इज प्रीटी मच इट. इतना मिसफॉर्च्यून से गुजरने के बाद भी इतनी पॉजिटिविटी और इनर चाइल्ड को हील रखना, अलाइव रखना, वाओ, हैट्स ऑफ, पाइल वन, सैल्यूट फ्रॉम माय साइड. ओके, सो ये कुछ क्वालिटीज थी जो लोगों को लगता है कि आपका उनमें भी होती, या वो जिनसे जेलस हैं, ठीक है, वो सीखना चाहते हैं क्वालिटीज आपसे. ओके, और मुझे अगर लुक्स की बात करें तो आपके हेयर और आपकी स्किन या आपका स्किन टोन, उनको लगता है कि आप काफ़ी ग्लो करते हो, या आपका स्किन टोन काफ़ी क्लियर है, आपके बाल काफ़ी मतलब उनसे जेलस होते हैं. आपका हेयर कलर भी मुझे मैसेज आ रहा है, हेयर कलर. ओके, तो ओके, आई एम गेटिंग योर मैनरिज्म्स, आपका उठने बैठने का तरीका. कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है आपके हाथ की शेप, हैंड्स की शेप. ठीक है, ओके, आई एम गेटिंग अ वेल स्कल्प्टेड बॉडी फॉर सम ऑफ यू, कि आपकी काफ़ी आप फिजिकली फिट हो, या जो भी वट एवर साइज शेप यू आर, आप खुद को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करते हो, कैरी करते हो. आई एम गेटिंग यू लुक परफेक्ट. ओके, आप काफ़ी परफेक्ट लगते हो. ओके, सो ये मैसेज मुझे आ रहा है. ओके, और चैनल मैसेज मुझे आ रहा है कि शायद आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहा है, किसी ने आपके लिए शायद कोई गिफ्ट दे लेके रखा है, या कोई गिफ्ट आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है. कुछ लोगों को विद इन 4 मंथ्स, कुछ लोगों को नेक्स्ट 3 मंथ्स में गिफ्ट हो सकता है मिले किसी की तरफ से. ओके, जैसे चैनल मैसेज सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, जिसको मिलेगा वो कमेंट करके जाना है यहाँ पे. ओके, सो फ्रेंड्स, विद दिस वी रीच द एंड ऑफ द रीडिंग ऑफ पाइल वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है फ्रेंड्स. कमेंट सेक्शन में लिखना मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स, तो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी, या आप थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में. ओके, सो सी यू अनदर रीडिंग पाइल वन. Yeah, welcome Pile 2. How are you guys doing? I hope you're doing well. So for those of you who selected the Unicorn deck, okay. So मुझे मैसेज आ रहा है कि I'm getting the song You're an Angel. I don't know, ऐसा कुछ गाना है. नहीं है तो I'm going to write that song and send it to you guys. Okay. या आई कंपोज सॉन्ग्स इज वेल, जस्ट अपनी हॉबी के लिए लिखती हूँ मैं कई बार. ओके, एंड एक सॉन्ग है ना, तू जहाँ भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊँगा, आई लव यू माई एंजल, वो सॉन्ग है. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर सिंगिंग. सो
वो सॉन्ग जो है मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई किसी को आपको डेडिकेट करना चाहता है, किसी ने आपको डेडिकेट किया था पास्ट में, या कोई आपको करने वाला है डेडिकेट फ्यूचर में. आपको कोई एंजल की तरह ट्रीट करेगा. आप काफ़ी स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्सन हो सकते हो, दोनों अलग चीज़ें होती हैं. आप यूनिकॉर्न्स में, एंजल्स में, फेरीज में बिलीव करते हो, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. आपके कुछ लोगों के उनके आपके शोल्डर्स के पीछे विंग्स हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. आई एम गेटिंग की अर्थ एंजल है यहाँ पे कुछ लोग. आई एम हियरिंग स्टार सीड्स. आई एम हियरिंग एम्पैथ. आई एम हियरिंग वोल्फ. आपका एनिमल टोटम हो सकता है. गूगल कीजिएगा. वोल्फ इज इम्पोर्टेंट समवेयर ओवर हियर. ठीक है. आई एम हियरिंग कि आप यूर इन अ शीप्स क्लोदिंग. लाइक आप खुद को यू आर अंडर एस्टिमेटिंग अंडर योर वर्थ्स, या आपने अपनी वर्थ अभी रियलाइज नहीं की है. आई एम हियरिंग सम पीपल आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे. ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे. और गोल्डन कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या हो सकता है गोल्डन कलर आपको बहुत पसंद है, या उसमें आप बहुत खूबसूरत लगते हो. गोल्डन शेड्स ऑफ वाइट, क्रीम एंड पर्ल. ये कुछ मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, साइकिक रीडिंग. चलिए अब पाइल टू हम ही देखने वाले हैं कि आपके अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जिन्हें लोगों को लगता है कि काश हम में भी वो खूबियां होती जो पाइल टू में है. लोगों को लगता है कि ऐसी कौन सी खूबी है इसमें, हम में क्यों नहीं है ये खूबी, हमें भी चाहिए ये खूबी, हमें भी चाहिए ये ट्रेट्स, ये क्वालिटीज़. इसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कैसे हैं. ठीक है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे. ठीक है, तो ये जो है कुछ फीलिंग लोगों को आती है आपसे. ठीक है, इसका हार्ट मेरे हार्ट से प्योर कैसे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. पीजेस जोक्स अपार्ट. तो मैंने रीडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं आप में जिन्हें जो लोग चाहते हैं कि उनमें भी हों, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे लोग जेलस हैं आपसे. ठीक है, तो एंड रिमेंबर लाइक आई सेड इन पाइल वन, जेलसी इज अर्नड. कंग्रेट्स, यू अर्नड इट. सो पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे लोग मतलब काफ़ी जेलस हैं आपसे. चलिए लेट्स सी. काफ़ी कार्ड जाए इस पाइल में तो बाप रे. द फर्स्ट वी हैव इज डॉल्फिन. डॉल्फिन नेक्स्ट वी हैव इज द ग्रेट क्रिस्टल. हो सकता है इसमें कुछ लोगों ने आप पाइल वन में भी इंटरेस्टेड थे, या पाइल वन भी आपने चूज किया था, या आप पाइल वन की तरफ नजर डाल के बैठे थे. देन वी हैव रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स. सोचिए अगर क्रिस्टल्स भी रिकॉर्ड कर पाते तो. कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन खत्म ही नहीं हो रहे कार्ड्स तो साडे. क्रिएटिव एक्सप्रेशन कितनी खूबी है भैया आप में पाइल टू. अरे वाह. ओहो, ब्लैक मेज. इस हुस्न में कहीं काला जादू तो नहीं छुपा है, जादू टोना तो नहीं छुपा है. ब्लैक मेज, नाइस. फूल्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव द साइलेंस.
ये कार्ड्स हम देखेंगे बाद में, ठीक है, कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज जो लोग चाहते हैं कि उनमें भी होती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये हैं कि आप हो सकता है किसी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड में हो, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल ओकल्ट की फील्ड में भी हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग, आई डोंट नो, आप या आपकी नॉन में कोई मर्चेंट नेवी में है क्या, या सी से रिलेटेड क्रूज पर ट्रैवल करना आपको पसंद है, या एनिमल्स बहुत पसंद हैं, स्पेसिफिकली पेट्स, डॉल्फिन्स। ओके, कुछ लोग यहाँ पे फिटनेस की फील्ड में हैं, ठीक है, हेल्थ की फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ओके, एंड मुझे ये मैसेज आ रहा है कि द साइलेंस कार्ड से कि कोई साइलेंस रखे हुए है और ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही है। दिस इज कम्प्लीटली ऑफ द टॉपिक, बट मुझे ऐसा मैसेज आया तो आई जस्ट टोल्ड यू कि कोई आपसे साइलेंस बना के रखे हुए है और ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही है। आई एम हियरिंग द लॉन्ग साइलेंस। ओके, एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप एक बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हो, नहीं हो तो लोगों को ऐसा लगता है। याद रहे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि आप कैसे हो, लोगों को आप किस नज़रिए से लोग आपको देखते हैं, या कौन सी क्वालिटीज़ लोगों को आप में दिखती हैं जिनसे वो जिनसे वो जेलस हैं। हो भी सकता है आप में वो क्वालिटीज़ हैं ऑलरेडी, आपको पता नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हो उस क्वालिटी को, ठीक है, या हो सकता है वो क्वालिटी आपको आप में है और आपको पता है, ठीक है। तो कोई भी सीन हो सकता है इसमें, सिनारी हो सकता है इसमें, ठीक है। सो आप एक बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हो। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप जहाँ जाते हो खुशियाँ बिखेरते हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज, लाइफ ऑफ द पार्टी। ओके, सो यू कुड बी लाइफ ऑफ द पार्टी, किसी भी महफिल की जान हो सकते हो आप, ठीक है। एंड मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप एनिमल्स और बच्चों के काफ़ी करीब हो, एंड आप एनिमल्स में, एनिमल्स और बच्चे आपकी तरफ ऐसे खींचे हुए आते हैं जैसे कि यू नो लाइक मॉथ्स टू अ फ्लेम। ओके, तो इस तरह से। ओके, एंड ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि यूज़ योर पावर फॉर द हाइस्ट गुड। आप काफ़ी पावरफुल हैं, आपके पास पावर है, चाहे वो क्रिएटिव पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, यू नो, या एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन पावर है। ओके, तो आप यहाँ, यू नो, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल पावर्स हैं। ओके, तो जो भी आपके पास पावर है, या आपका माइंड आपकी पावर है, ओके, तो उस पावर को आप लोगों के अच्छे के लिए यूज़ करते हो। ओके, आपके पास जो पावर्स है वो आप दुनिया की भलाई के लिए यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास राइटिंग, आप बहुत अच्छा लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपने ब्लॉग बनाया, आप उसके लिए लोगों में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आप उस ब्लॉग को यूज़ कर रहे हो। आप जैसे मेरा ब्लॉग है एवी रीडर्स पैराडाइज, ओके, अबाउट सेक्शन में लिंक है उसका, AVP। ओके, तो उसको मैं, इट्स लाइक अ डिजिटल NGO, ठीक है, उसमें मैं आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी थ्रू माई ब्लॉग। ओके, तो इस तरह से हो सकता है आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो ऐसा। ओके, और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को तत्पर रहते हो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी, नया नॉलेज, आप कुछ ना कुछ हमें, यू क्यूरियस, यू क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ इंस्पायर्स पीपल ऑल्सो, दैट्स अ मैसेज आई एम गेटिंग। आपकी क्यूरियोसिटी लोगों को इंस्पायर भी करती है, और आपकी जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो, आप में काफ़ी नॉलेज है, और आप उस नॉलेज को शेयर भी करते हो लोगों के साथ, ये आपको करनी चाहिए, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। हो सकता है आप काफ़ी, कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी चुप चुप से रहते हैं, बिना बात के बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, या चुप हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है।
वो चीज़ भी लोगों को लगता है कि आप लोग उस चीज़ को एज एरोगेंस की तरह मिस्टेक कर लेते हैं कि ये बहुत एरोगेंट है, लोग ऐसा समझ लेते हैं, तो दे गेट जेलस ऑफ यू। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिना कोशिश करे भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस चीज़ से लोग जेलस हो जाते हैं। आप क्वाइट कार्ड और साइलेंस कार्ड से मुझे मैसेज आ रहा है कि अभी मैं थोड़ा भाग दौड़ के आई हूँ ना, एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप जब बिना कोशिश किए भी आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई, और यहाँ पे लोग कितनी कोशिश करते हैं हमसे वो अट्रैक्ट हो जाए, ये अट्रैक्ट हो जाए, आप तो एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर लेते हो। ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। दूसरा मुझे आ रहा है, आप मेडिटेशन करते हो या आप काफ़ी आपका पीस ऑफ माइंड कोई बॉदर नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब आप डिसाइड कर लो ना कि मुझे पीसफुल रहना है, मेरा माइंड पीसफुल है, तो आपका पीस ऑफ माइंड कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बॉदर नहीं कर सकता। हो सकता थोड़े टाइम के लिए कोई कर भी दे, बट ज़्यादा टाइम के लिए आप दुखी रह नहीं सकते हो। ठीक है, मे बी योर लियो लाइक मी, ज़्यादा टाइम के लिए दुखी रह नहीं सकते। ठीक है, सो ऑल राइट, सो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप ज़िद्दी स्वभाव के हो और जुनून है आपके अंदर, इन द सेंस कि जो चीज़ एक बार इफ़ यू सेट योर माइंड टू समथिंग आप वो अचीव करके ही रहोगे। तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि एक बार आपने जुनून में बिठा लिया, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये गोल अचीव करना है, ये लक्ष्य अचीव करना है, तो वो करके ही रहोगे, ठान लिया वो करके रहोगे। ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। दूसरा ब्लैक मेज। थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हो या लोगों को लगता है कि आप ईगोइस्टिक हो, और लेकिन जब जिन रिश्तों के आप मायने समझते हो, जो रिश्ते आपके लिए मायने समझते हो, कह रही हूँ, जो रिश्ते आपके लिए मायने रखते हैं, उनके लिए आप अपनी ईगो भी साइड में रख देते हो, एंड यू मेक लाइक थिंग्स पैसिफाई करते हो, चीज़ों को मैटर को पैसिफाई करते हो, एंड यू ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर। यू वर्कआउट थिंग्स। मुझे तो फील हो रहा है आपकी एरोगेंस जो है ना, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, और आपकी एरोगेंस भी ऐसी है जो एक साइलेंट एरोगेंस है। आप अपना गुस्सा, एग्रेशन, एंगर एग्जर्ट नहीं कर रहे लोगों के ऊपर, आप चुप हो। ठीक है, और चुप हो, अलूफ हो थोड़े से, और अलग अलग हो, तब भी आपकी पावर दिख रही है, आपकी प्रेजेंस दिख रही है, तब भी आपको लोग नोटिस कर रहे हैं, ये चीज़ लोगों से टॉलरेट नहीं हो रही है। मुझे मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, और आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और जिससे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे मैंने शुरुआत में मजाक में बोला था ना कि आपकी हुस्न में कोई जादू टोना सा छुपा है, तो आपकी हुस्न का जादू ही बहुत है सामने वाले पे जादू बिखेरने के लिए, आपको जादू टोने करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। आपके हुस्न का जादू बोलता है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, और कुछ कहा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है करने की। ठीक है, कोई टूल यूज़ करने की, काफ़ी एनर्जेटिक हो। जब बाकी लोग थक जाते हैं, धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तब आप दौड़ रहे होते हैं, यू आर लाइक फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जेस्ट। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लाइक, मैं कंटेंट राइटिंग भी करती थी ना, तो व्हेन आई यूज टू कम होम फ्रॉम वर्क, तो मेट्रो पे लोग इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, मिलेनियल्स आजकल के, सॉरी मुझे, इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, एंड आई वाज लाइक मैन व्हाट इज विद यू गाइस, थोड़ा जल्दी चलो यार। एंड इट वॉज लाइक पूल्स ऑफ एनर्जी कार्ड आया है, तो आई एम गेटिंग यू आर फुल ऑफ एनर्जी। और यूनिवर्स भी, आप कायनात लग जाती है आपकी मदद करने के लिए, कायनात आपको मदद करने के लिए, आपको साइंस भेजने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको मैसेजेस भेजने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी हेल्प करने के लिए, कायनात भी लग जाती है। ठीक है, सो यू हैव द यूनिवर्स लुकिंग आउट फॉर यू, अमेजिंग। एंड आपकी वाइटैलिटी, आपकी यू फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ यू वाइब्रेंट एनर्जी, आई वोंट से पुट्स पीपल ऑफ, इफ इट डज लेट इट बी। सो मेक्स पीपल जेलस। एंड यू कैन बी साइलेंट एंड किल पीपल विद योर साइलेंस, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है।
चलिए सो ऑलराइट, कुछ लोग यहाँ पे चैटर बॉक्स हैं मेरी तरफ, जस्ट किडिंग, ओके, कुछ लोग यहाँ पे चैटर बॉक्स हैं, उनको यूनिवर्स कह रहे कभी कभी साइलेंट भी रहा करो, ओके, नो आई एम नॉट किडिंग, मुझे मैसेज आया है ऐसा, ओके चलिए, ये थी वो, अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ओके तो ये रीडिंग थी कि किस आपकी आपकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे लोग जेलस हैं, ठीक है, अब देखते हैं अभी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ जो लोग चाहते हैं, काश हम में भी पायलटू की वो क्वालिटीज़ होती, ठीक है चलिए देखते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है प्लेजर सीकर्स, आई डोंट लाइक दिस कार्ड, प्लेजर सीकर्स, फ्रेंड, फ्रेंड विद फ्लावर्स, कैन यू सी फ्लावर्स बुके इन हर हैंड, ओके, देन वी हैव एन एनिमी, ओके, देन वी हैव वेडिंग, आई लव दिस कार्ड, ओ वेडिंग, देर आर सम कार्ड्स इन दिस डेक आई एब्सोल्युटली लव, लाइक द रियूनियन कार्ड, लव अ बॉय कार्ड, यू नो, एंड हॉटीनेस कार्ड, ओके, सो लोगों की आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज है लोगों को लगता है कि काश हमें भी क्वालिटीज होती, दे वॉन्ट दोज क्वालिटीज इन देमसेल्व्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है आपके काफ़ी सीक्रेट एडमायरर्स हैं, लोग आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं आपकी लुक्स को, आपकी पर्सनालिटी को, एंड मेनी पीपल वॉन्ट अ चांस विद यू, सॉरी टू पुट इट लाइक दिस, बट ऐसा मैसेज मुझे आया, मैंने आपको एज इट इज बताया, ठीक है, दे फील यू आर समबडी हु ऑफर्स पीस, प्योरिटी, वार्मथ, फ्रेंडलीनेस, कम्फर्ट, लाइक यू नो कम्फर्ट इन द टाइम्स ऑफ सैडनेस, ओके, हैप्पीनेस इन द टाइम्स ऑफ सैडनेस, कम्फर्ट इन द टाइम्स ऑफ सैडनेस, जब किसी को समबडी नीड्स लाइक कॉन्डोलेंसेस, लाइक सम काइंड ऑफ कि किसी को वो चाहिए, यू नो कि कंसोल करना किसी को, या दैट्स द वर्ड, तो वो आप करते हो बहुत अच्छे से, किसी को सांत्वना देना वो आप करते हो अच्छे से, आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप निभाते हो, बहुत वफादारी से फ्रेंडशिप निभाते हो, एंड मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अब हर रिश्ता बखूबी और वफादारी के साथ निभाते हो, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ओके, और फ्रेंड और एनिमी साथ में आया है, तो आप दुश्मनों, कहते ना कि दोस्तों के दोस्त दुश्मनों के दुश्मन, ओके, ऐसा मुझे आज दस मैसेज आया, तो मैंने आपको बताया, दोस्त हो तो आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, दुश्मन हो तो भगवान खैर करे उसकी, ठीक है, भला करे उसका, ठीक है, तो जब आप वेडिंग्स में जाते हो तो आपका लुक बहुत अच्छा होता है, आपके चेहरे पे नूर, आपका द वे यू ड्रेस अप, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, देर आर पीपल लुकिंग एट यू, लेट जस्ट से व्हेन यू वॉक इन अ रूम पीपल लुक एट यू, पीपल टर्न देयर हेड्स टू लुक एट यू, इज़न्ट दैट अमेजिंग, यू हैव दैट वाइब, यू हैव दैट ऑरा, यू हैव दैट पर्सनैलिटी, ओके, कि आप जब कहीं से गुजरते हो तो लोग डेफिनेटली कोई ना कोई तो ज़रूर पलट के देखता होगा मुड़ के, यू नो कि अच्छा पायल टू जा रही है यहाँ से, ओके नाइस, ओके, सो इट्स योर पर्सनालिटी, इट्स योर लाइक आई सेड हैप्पी गो लकी वाइब, इट्स योर पीसफुल वाइब, आपका रिश्ते निभाना, आपकी पर्सनालिटी हो, आपकी नेचर हो, आपका मतलब लोगों को सबक भी सिखाने में नंबर वन हो आप, वैसे जब अपने पे आ जाओ तो, ठीक है, तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, तो अमेजिंग है मतलब लाइक, ओके, सो पाइल टू, दैट वॉज योर रीडिंग, आई सी इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर, बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सी यू नारा।